आलेखन बनाने के बाद हम आलेखन की मुख्य चीजें जैसे कि फूल, पत्ती, हिरण, इनके कलर का चयन करेंगे। उसके बाद ही हम पृष्ठभूमि के रंग का चयन करेंगे। वैसे तो पृष्ठभूमि में सभी हल्के कलर अच्छे लगते हैं, आप कम या ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मैंने आज यहाँ सदाबहार के फूल से आलेखन बनाया है। सदाबहार के जो फूल होते हैं वो कई रंगों में होते हैं, तो आप उसी के हिसाब से उससे थोड़ा हटके फूल से दूसरे कलर को पृष्ठभूमि करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले पृष्ठभूमि में कलर करेंगे, तो मैं इस लाइन को मिटा देती हूँ। पृष्ठभूमि में कलर करने के लिए हम पीला रंग लेंगे। पीला रंग ज्यादातर रंगों के साथ अच्छा लगता है पृष्ठभूमि में। पीले रंग में हम सफेद कलर को मिलाएंगे। सफेद कलर को आप कम या ज्यादा करने के लिए आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसी तरह से आप दूसरे कलर को भी हल्का करके पृष्ठभूमि भर सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। अच्छे तरीके से मिला लीजिए। इसके बाद हम पृष्ठभूमि में हल्का करेंगे और इसके बाद थोड़ा हल्का करने के बाद इसमें भरेंगे। तो चलिए हम पृष्ठभूमि में कलर को करते हैं। पृष्ठभूमि में कलर करने के लिए 6 नंबर का ब्रश सबसे अच्छा होता है। इस तरह से कलर लाइन से बाहर नहीं जाना चाहिए। अंदर के आलेखन में चाहे थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर तो हमें दूसरा कलर करना ही है, तो वह उसे ढक जाएगा। पर लेकिन बाहरी किनारे पर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस तरह से करेंगे। अगर हमारा बाई चांस कलर गलती से बाहर चला भी जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया है, तो उसे साफ ब्रश से सिंपल पानी में भिगोकर हल्का सा पोंछ कर ब्रश से साफ कर लेंगे हल्के हाथों से। साधारण पानी से ही करना है, साफ ब्रश से। इस तरह से होने करने के बाद अगर आपका कलर फिर भी नहीं हटा है, दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद हम व्हाइट कलर को ब्रश में लगाकर हल्का सा उसके ऊपर फेर देंगे, जिससे वो कलर ढक जाएगा। क्योंकि हमारा जो ये कागज है वो गंदा अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद हम फिर से इस कलर को पृष्ठभूमि को पूरा करेंगे।
पृष्ठभूमि को पूरा करने के बाद फूलों के लिए कलर बनाएंगे। फूलों में कलर बनाने के लिए मैंने गहरा लाल रंग लिया है। और उसमें नीले रंग को मिलाया है। अच्छे से मिलाएं। कलर को थोड़ा ज्यादा बनाएं ताकि वह कम ना पड़े। कलर जब इस तरह से बन जाए, जब ये रंग दे तो उसमें सफ़ेद रंग मिलाएं। उसके आधे कलर में सफ़ेद रंग को मिला लें और आधे रंग को छोड़ दें आउटलाइन करने के लिए। इस तरह से आपका पर्पल कलर तैयार हो जाएगा। अगर आपको हल्का करना है ये कलर तो उसमें थोड़ा वाइट कलर और मिला सकते हैं फूलों में कलर भरने के लिए। कम या ज़्यादा हल्का अपने हिसाब से कर सकते हैं। इससे हम आउटलाइन करेंगे। फूलों में कलर भरने के लिए आप 4 नंबर के ब्रश का इस्तेमाल करें। ये 4 नंबर का ब्रश सबसे अच्छा रहेगा। अगर आपको ज़्यादा मोटा लगता है तो आप 2 या 3 नंबर का ब्रश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से करें। कलर भरने का सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इसलिए ब्रश को उसी तरह से चलाएं जिस तरह से आपको आसान लगता है। सदाबहार के फूल कई तरह के होते हैं, कई रंगों में। आप पीले कलर के साथ दूसरे रंगों को भी भर सकते हैं, वो भी अच्छे लगेंगे। चाहे तो आप दूसरे रंगों के साथ भी भर सकते हैं। मैंने यहाँ केवल एक ही फूल को करके बताया। आप जब फूलों को भरें तो सभी को एक साथ करें। अगर आपको यह सही लगता है कलर तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना होगा। अगर आपको लगता है यह डार्क है या आपको हल्की सी शेड देनी है तो इसके ऊपर वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शेड देना या ना देना आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आलेखन में
सैर देना जरूरी भी नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप दे भी सकते हैं, दोनों तरह से अच्छा लगेगा। अगर आप सैड नहीं देना चाहते तो उससे आपके समय की बचत होगी। इस तरह से सभी में करें, अगर आपको करना है तो, ना भी करें तो भी कोई बात नहीं। अब हम इसमें आउटलाइन करेंगे। पत्तियों में कलर भरने के लिए आप लाइट हरा या फिर डार्क हरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हरे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें व्हाइट रंग का प्रयोग कर मिलाकर भर सकते हैं पत्तियों में, हल्का या डार्क अपने हिसाब से कर सकते हैं, सभी रंग अच्छे लगते हैं। आप पत्तियों को गहरे पीले से भी कर सकते हैं, ये भी अच्छी लगेंगी, और टहनियों में भी भर सकते हैं, इनमें भी अच्छा लगेगा। आप टहनियों को गहरे ब्राउन रंग से भी कर सकते हैं व्हाइट रंग मिलाने के बाद, और उसी से आउटलाइन कर दें, वो भी अच्छा लगेगा। तो अब हम पर्पल कलर में इसी कलर से आउटलाइन करेंगे, करना सीखेंगे। कलर में पानी मिला लें, जैसे कि ये सूख गया है, और इसके लिए 0 नंबर का ब्रश, 2 नंबर का ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। फूल में भी 2 नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं भरने के लिए, टहनियों में, पत्तियों में भी कर सकते हैं। इस तरह से आप ब्रश की नोक को बनाएं भरने के लिए। आउटलाइन इस तरह से करें, आप मोटी आउटलाइन भी कर सकते हैं, वो भी अच्छी लगेगी। 0 नंबर के ब्रश के इस्तेमाल से आप पतली आउटलाइन कर सकते हैं, और 1 नंबर के ब्रश से मोटी आउटलाइन कर सकते हैं। इसी कलर से आप शेड देने के लिए पहले इस तरह से करें, और उसको साफ जगह पर हल्का सा कलर को पोंछ दें। इससे क्या होगा, एक्स्ट्रा कलर निकल जाएगा, और हल्के हाथ से आप इस तरह से फूलों में शेड भी दे सकते हैं। ना भी देना चाहे तो भी कोई बात नहीं, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो दे सकते हैं। आलेखन में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको देनी है। सैड से फूल अच्छा लगेगा इस तरह से, 0 नंबर के ब्रश से। इस तरह से आप पूरे आलेखन को पूरा कर लेंगे।